कोडरमा जिला प्रखंड डोमचाच के अंतर्गत बेहराडे गांव में एक सेविका नहीं होने के कारण से बच्चों को पठन पाठन में बाधित होना पड़ता है। सहायिका को अकेले आंगनबाड़ी नियमित रूप से संचालित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको मैं बेहराडी आंगनबाड़ी ले चलती हूँ। तो ये आंगनबाड़ी जो देख रहे हैं बंद क्यों है? अकेली रहती है, अकेली खाना बनाती कि बच्चा पढ़ाएगी। बच्चा जो पढ़ाती है तो कुछ के मीटिंग में जाना है तो बंद करके जाती है। ये जो पढ़ाने वाली जो आती है, आती थी, वो कितना दिन लगभग हो गया नहीं आ रही है? वो कम से कम हो गया साल भर हो गया। आप आंगनबाड़ी में अकेले हैं और कोई नहीं है? अच्छा, जब आप अकेले चलाते हैं जैसे THR होता है या टीकाकरण होता है, तो आप फिर कैसे संभालते हैं? आपका ये जो देख रहे बच्चों का अधूरा बाथरूम मिला है, वो टूटा हुआ है, क्यों टूटा है? ग्रामीण लोग तोड़ के मतलब छाड़ ले गया। कितना दिन लगभग हो गया है? एक महीना का लगभग हो गया। इसका पहले और जो रहती थी सेविका, वो क्यों छोड़ दिया? उसके बारे में जानकारी हमें को नहीं है, क्यों छोड़ती सो। इसको तो अकेले काम करने में काफी परेशानी होता है। परेशानी है, बच्चों को लाना पड़ता है और यहाँ पढ़ाना भी पड़ता है, ये सब कुछ जो है सो खाना खिलाने में दिक्कत होता है। अतः आप सभी दर्शकों से विनम्र अपील करती हूँ, जिला कल्याण पदाधिकारी अजीत नियाल सांगा का मोबाइल नंबर 94707763878 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि जल्द से जल्द सेविका की बहाली हो सके और बच्चों को पठन पाठन में बाधित ना होना पड़े और बच्चों का जो टूटा शौचालय है उसकी मरम्मत हो। मैं डिम्पी देवी, जिला कोडरमा, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।